अभी एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि यंत्र होते क्या है और हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल कहता है कि यंत्र क्या है, एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप यूज कर सकते हो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, या कई लोग इसे मेडिटेशन के लिए भी यूज करते हैं। अगर आप किसी सेज से पूछोगे, मतलब किसी ज्ञानी से पूछने जाओगे एज पर गूगल लैंग्वेज, तो वो बोलते हैं कि यंत्र का मतलब है एक साधन, एक मशीन। और वाकई ही यंत्र एक तरीके से मशीनरी का ही काम करता है। अब ये मशीन क्या करती है, मशीन हमारा काम क्या करती है, आसान कर देती है। तो उसी प्रकार से यंत्र क्या करता है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आए वो आपकी काफी हद तक आसान कर देती है, और बहुत ही पर्पसफुल तरीके से। और ऐसा नहीं है, देखिए हर किसी की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस है, आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, और प्लैनेटरी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि आपको एक नहीं एक से ज्यादा यंत्रों की जरूरत पड़े। तो आप एक से ज्यादा यंत्र रख सकते हैं, 3 से 4 यंत्र एक इंसान एक टाइम पे यूज कर सकता है, एंड दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। कॉम्बिनेशन कई बारी यंत्रों का बिठाया जाता है एक पर्पस को मीट करने के लिए, तो वो लार्जर मशीन हो जाती है। पुराने समय में क्या होता था कि जैसे टेम्पल्स बनाते थे, तो वो क्या करते थे, यंत्र बनाते थे सबके लिए। और इससे फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ने लगी, लोगों का इंटरेस्ट जागने लगा, और फिर लोग इसमें विश्वास करने लगे। आप अगर देखेंगे पुराने कंस्ट्रक्शन में भी, तो देर आर सर्टन नंबर्स, सर्टन फिगर्स, कुछ ऐसी चीजें बनी होती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन आप नहीं जानते। आप मंदिर में जाएंगे, आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे, तो वहां पे एक अलग ही स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, शेप अलग होता है, और उनके जो डिविजन भी होते थे कि कहाँ पे क्या प्लेस करना है, वो इसी फॉर्म में होते थे कि मैक्सिमम ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा वहां पे जनरेट हो। इनफैक्ट ये जितने भी मंदिर में चीजें यूज होती हैं या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, उन सबका सिग्निफिकेंस होता है। उसी प्रकार से जब हम एक यंत्र बनाते हैं, हम क्या करते हैं, वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन का एक सिग्निफिकेंस होता है कि हम उसी प्रकार से उसे क्यों बना रहे हैं। अगर हम लाइन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो उसका क्या कारण है, तो ये पूरा समझना होगा तो हम यंत्र बना पाएंगे। यंत्र एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में देखा जाए तो एक हम कहते हैं एक मिस्टिकल डायग्राम है, क्योंकि ये डायग्राम किस चीज से रिलेटेड है बहुत से लोग नहीं समझ पाते। ये ज्यादातर इंडियन रिलीजन में और फिलोसफी में यूज होता है वर्शिप करने के लिए, पूजा साधना के लिए। ज्यादातर लोग इसे मेडिटेशन के लिए यूज करते थे, और इसके बेनिफिट्स भी लोगों ने देखे, और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिले ऑकल्ट पावर्स बेस्ड पे। कई लोग इसके दूसरे यंत्र भी बनाते हैं जिसमें तांत्रिक टेक्स्ट लिखे होते हैं। हम लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे इस कोर्स के दौरान। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जितने भी यंत्र बनेंगे वो सारे आपको बताए जा चुके और पूरे मंत्र सिद्धि से होंगे। एक तरीके का हम मंडाला क्रिएट करते हैं एक यंत्र बनाने में, तो ये क्या है, एक स्पिरिचुअल सिंबल होता है जो यूनिवर्स को या यूनिवर्सल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसके जरिए हम हायर एनर्जीज से या हम डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं। यंत्र में कुछ नंबर्स भी यूज होते हैं, कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, कुछ ग्राफिक्स यूज होते हैं, और इन सब का सिग्निफिकेंस है।
इनका बेसिक सिग्निफिकेंस ये है कि इनकी वाइब्रेशंस और एनर्जीज वहां तक पहुंचती हैं जहां पे हम कनेक्ट कर पाए अपने डिवाइन सोर्स से या हायर एनर्जीज से। यंत्र धीरे धीरे करके बन गए टूल ऑफ वर्शिप, यानी कि साधना का एक माध्यम बन गए यंत्र, लोग इन्हें यूज करने लगे। फिर यंत्र ज्यादातर स्क्वायर या चौरस फॉर्म में बनाए जाते हैं जो कि डिपिक्ट करते हैं चार दरवाजों को। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर चार साइडेड फिगर है, तो ये डिपिक्ट करता है चार दरवाजों को। स्क्वायर का जो डिपिक्शन है वो मटेरियल वर्ल्ड का है, जबकि जो गेट्स है वो उसमें आने या जाने के जरिए हैं। जैसे आप कोई भी स्क्वायर बनाते हैं, चौरस आप कोई भी बनाते हैं, तो उसमें जो अंदर का पोर्शन होता है जो खाली रहता है, जैसे ये जो यंत्र मैंने भी बनाया था, अब ये क्या है, ये चौरस है, तो इसके अंदर का जो पोर्शन है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और ये जो है अंदर जाने के लिए लाइनें या बॉर्डर्स हैं, ये इसकी तरफ जाने वाले दरवाजे हैं। तो ये यंत्र बताता है। यंत्र एक इंस्ट्रूमेंट भी है। अब जैसे मैंने आपको, देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने किसी के लिए पेन रिमूवल यंत्र बनाया। पेन रिमूवल यंत्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चौरस के बाहर इस प्रकार से लाइनें निकलती हुई दिखाई गई है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दर्द है तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहां से लाइनें बाहर निकाल रहे हैं, कि हम वहां से गेट्स हैं, इन गेट्स से हम दर्द को बाहर निकाल रहे हैं। तो हर प्रकार की लकीर का, हर प्रकार के नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है। फिर यंत्र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी इनर जर्नी को आपके हायर सेल्फ तक या डिवाइन तक लेकर जाता है। अब डिवाइन को आवाहन करने के अलावा यंत्र साधक भी यूज करते हैं। साधक इसे मेडिटेशन के लिए यूज करते हैं। और फिर कुछ पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको मंदिरों में बड़े बड़े यंत्र बने हुए मिलते हैं, जहां पे लोग आसानी से बैठ के कॉन्सेंट्रेट कर सके, ध्यान लगा सके। फिर यंत्र का, यंत्र की जो स्टडी है ये बहुत ही जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं या ऑकल्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें देखेंगे ये पेन रिमूवल यंत्र है, राइट, ये भोजपत्र पे बना है। अब इसका एक और बना के रखा है, ये भी किसी का है, देखिए ये थोड़ा सा उससे क्लियर आ रहा है, ये लाइट उस पे है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर है, ये मटेरियलिस्टिक, अंदर का जो है ये पूरा आपका फिजिकल वर्ल्ड है। हम क्या कर रहे हैं, हम इन गेट्स से लाइनें बाहर निकाल रहे हैं, तो हम क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की पीड़ा है या दर्द है तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिले। तो ये सिग्निफिकेंस होता है कि हम किस प्रकार के डायग्राम बना रहे हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज को, तो उस प्रकार से हमें उसे समझना होता है और फिर ही हम सामने वाले को समझा पाते हैं।